नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से बवाल मच गया है। ये बवाल इस कदर खड़ा हुआ है कि मामले की तह में जाने की बजाय राजनीतिक पार्टियां इसे अपने फायदे, नफा और नुकसान से तोलकर इस पर बयानबाजी कर रही। जबकि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो यह सुरक्षा के लिहाज से भी काफी सही फैसला होगा। दरअसल सोमवार से सावन शुरू होने वाला है और सावन शुरू होते ही कांवड़िए निकल पड़ते हैं अपनी कांवड़ यात्रा पर। हरिद्वार तक का रूट होता है और इस हरिद्वार तक के रूट के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है, जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कहीं और हो, वहां से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में जो कांवड़ रूट, एक बार फिर सुनिए, उत्तर प्रदेश की सीमा में केवल कांवड़ रूट पर जितनी भी दुकानें हैं, उन दुकानों के ऊपर सभी जो दुकान मालिक हैं, ढाबे मालिक हैं, या फिर छोटे जो फ्रूट्स डीलर हैं या किसी भी तरीके के जो वहां पर कोई व्यवसाय करेंगे, उनके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी किया है कि सभी दुकान मालिक जो वहां पर व्यवसाय करेंगे, वो अपना नाम और पता, अपनी आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे। यानी कि ऐसा नहीं चलेगा कि अगर मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति वहां पर होटल चला रहा है और उसका नाम कोई और, कुछ और रख दे, वैष्णव ढाबा लिख दे या फिर कोई दूसरा ढाबा लिख दे, वहां पर जो उसका नाम है बोर्ड को बदल कर उसका नाम, मतलब बोर्ड पूरा वो किसी भी नाम से बनाए, ढाबा किसी भी नाम से हो, लेकिन वहां पर उसका नाम और पता लिखा होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी लिखी होनी चाहिए। आखिर इसमें क्या बुरा क्या है? दरअसल है क्या, आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए भी ऐसे रूट पर जहां पर हजारों की तादाद में एक समय पे जहां से कांवड़िए गुजरेंगे, उन रूटों पर अगर सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया जाता है, बल्कि उनकी आइडेंटिफिकेशन भी की जानी चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, कौन लोग हैं, कौन दुकान लगाएगा, कौन रेड़ी लगाएगा, कौन पटरी लगाएगा, ये सारी चीजें, जो भी रूट में व्यक्ति वहां पर व्यवसाय करने के नाम पर आता है उसकी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने केवल ये कहा, ये आदेश दिया कि जो भी उस रूट में, कांवड़ के रूट में जो भी लोग व्यवसाय करेंगे, उनकी आइडेंटिटी उनके बोर्ड पर या उनके जो ठेली है, रेडी है, उस पर उनकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अब इस बात को लेकर जो विपक्षी दल है, उन्होंने पूरे देश के अंदर हंगामा कर दिया। हंगामा भी इस कदर किया है कि आप सोच नहीं सकते। आदेशों को, जो आदेश है, ये सब पीछे रह गए और इस पर बस एक बवाल खड़ा करना था, एक एक धार्मिक अंतर्द्वंद फैलाना था, वो फैला दिया, ये बवाल हो गया। लेकिन हम आपको इसी बीच में एक और बात बता देते हैं, ये जो फैसला है ये आज का नहीं है, ये 2006 में ये निर्णय लिया गया था कि सभी जो कांवड़ रूट पे जितने भी दुकानदार हैं उन सब की आइडेंटिटी लिखवाई जाए, और 2011 में इस फैसले को फिर से इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया था। लेकिन तब से ये ठंडे बस्ते में पड़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें किन्हीं और दलों की थी और वो नहीं चाहते थे कि एक धर्म विशेष को छेड़ा जाए। इसमें छेड़ने की बात भी नहीं, अगर किसी से किसी का नाम पूछा जाए तो वो असली नाम ही बताएगा, असली पता ही बताएगा, गलत नाम और गलत पते की तो उम्मीद भी नहीं करते हैं। बहुत सेंसिटिव इशू है, एक जरा से एक्सीडेंट में भी ऐसी भी घटनाएं सामने आती है उत्तर प्रदेश से इन दिनों में,
एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है या किसी कांवड़िए की टक्कर हो जाती है और उसके बाद बवाल कट जाता है, आग लगा दी जाती है, बसें फूंक दी जाती है, क्योंकि भीड़ का रेला होता है, लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके का कोई आदेश पारित किया जाता है तो सचमुच ये अपने आप में बड़ी बात थी, परंतु हमारे यहाँ हर बात को लेकर जिस तरीके से बवाल मचाया जाता है वैसा होना था और हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़िया यात्रा के लिए बड़ा कदम उठाया। योगी ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और उनकी पहचान लिखा होना चाहिए। दरअसल ये इसलिए भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे वीडियो, हम किसी वीडियो को पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे समय समय पर ऐसे वीडियो भी सामने आए थे कि कोई रोटी पर थूक रहा है, कोई तंदूर में थूक के खिला रहा है, किसी ने फलों को थूक के फल खिलाए गए। ऐसी भी तस्वीरें, ऐसी भी वीडियो सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है और बहुत सारी हैं। ये लगातार होता है और ये वो लोग थे जिन पर बाद में FIR दर्ज हुई। हम ऐसी किसी वीडियो के, हमारा चैनल या हम ऐसी किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन बवाल इस पे मचा है। ये सही थे या गलत थे ये बात की बात है, इनमें सजा हुई या छूट गए ये बात की बात, लेकिन आए थे। इसीलिए इस लिहाज से भी देखा जाए तो उनके नाम और पते सामने लिखने में क्या दिक्कत क्या है? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि ऐसा है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठा लिया है और दुकानदारों पर नाम लिखे जाने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर यूपी में सियासत गर्मा गई। सीएम योगी फ्रंट फुट पर आ गए हैं और योगी ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक का नाम, उनकी पहचान लिखना जरूरी हुआ। ये फैसला कांवड़ यात्रा की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई हो। आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे किसी आस्थावान व्यक्ति को जो पूजा करने जा रहा है या कहीं पर भी अपने जो उसका मंदिर है या उसका आस्था का केंद्र है वहां जा रहा है, और ऐसे में कोई उसकी आस्था को खराब करने के लिए थूक के रोटी खिलाता है या फिर फलों पर थूक के खिलाता है या कोई या कई जगह ऐसा देखा गया कि फ्रूट्स को पेशाब में भिगोकर खिलाया गया, बेचा गया, तो ये भी ठीक नहीं है। इन सब से बचने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी घटनाओं से बचने के लिए, कि कोई दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति वहां ना घुस जाए उस भीड़ में जो बाद में हमें महंगा पड़े। पूरी दुनिया से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं आज जो आतंकवाद को लेकर है, और आतंकवादी भीड़ के अंदर घुसकर अपने काम को अंजाम देकर चुपचाप निकल जाते। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली सभी दुकानों के मालिकों को बाहर अपना पूरा नाम लिखा हुआ बोर्ड लगवाना होगा। इस फरमान पर यूपी में सियासत तेज हो गई है, विपक्ष सरकार को घेरने में लग गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है, समाज का भाईचारा बिगाड़ने का यह कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। भाजपा का उद्देश्य समाज को बांटना और परस्पर सौहार्द को क्षति पहुंचाना है। भाजपा की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो गया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो अखिलेश यादव जो हमेशा से एक विशेष वर्ग विशेष के हिमायती रहे, वो ये बात कह रहे। उधर मायावती ने भी कहा है कि जिला प्रशासन के इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। IMI के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश अछूत को बढ़ावा देना है, ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अछूत बनाया गया है जा रहा है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानदारों से अपने नाम बताने को कहा है वह गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, यह अछूत जैसी बुराई को बढ़ावा देने वाला है, यह संविधान का उल्लंघन है, यह आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है। अब इसमें कैसे उल्लंघन है ये तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन साहब ने ऐसा बोल दिया है, बयान दिया है, तो बयानों के कुछ मायने भी होंगे, क्योंकि ये बयान नेता देते ही इसलिए है, आरोप किसी पर लगाते हैं
और बयान किसी के बारे में जारी कर देते। आप समझिए किसी की पहचान, अगर अपनी पहचान छिपाना या पहचान को बताना या नाम को असली बताना, सही बता देना, क्या बुरी बात है? अगर आतंकवादी घटनाओं को रोकना है तो यहां पर यह जरूर करना होगा कि ऐसी चीजों से बचा जाए। इसमें कई ऐसे नेता हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के विरुद्ध है। पहला नाम इनमें जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने फैसले को गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि यह फैसला जाति और सांप्रदायिक कोता को बढ़ावा देने वाला है। इसके बाद सामने आए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी, उन्होंने भी फैसले पर एक बार फिर से समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता जिसे समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा हो। तीसरा नाम है रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान का, जो नए नए अभी मंत्री बने मोदी सरकार के, मोदी कैबिनेट में। उन्होंने कहा एनडीए की केंद्र सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सीएम योगी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है, इसलिए जहां कहीं भी जाति और धर्म के विभाजन की बात होगी मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। चौथा नाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले तो योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए सुबह सुबह और इसे छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बताया। हालांकि बाद में अपने बयान से पलटते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेश से साफ है कि कांवड़ियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया ये फैसला है। एक और साहब सुनिए, सीएम योगी ने इस फैसले के समर्थन में मंत्री कपिल देव अग्रवाल सामने आए। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों की शिकायत के बाद लिया गया था, जिसमें श्रद्धालुओं ने कहा था कि कई भक्त हरिद्वार और गोमुख से पवित्र गंगा जल लेकर आए। कांवड़ यात्रा के दौरान जो लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबा होटल चलाते हैं उनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से होते हैं, वो नॉनवेज भी बनाते हैं जिसमें भक्तों का की पवित्रता छिन जाती है। ये मंत्री जो है कपिल देव, उन्होंने कहा। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के फैसले को विरोध करते हुए कहा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। असुद्दीन उवैसी, आजकल मुसलमानों को यही सबसे बड़े मसीहा हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन IMIM प्रमुख असुद्दीन उवैसी ने सीएम योगी के फैसले पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी में हिटलर की रूह समा गई है। उन्होंने सीएम योगी के इस फैसले को अनुच्छेद 17 का उल्लंघन बताते हुए छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बताया। ये जो नेता हैं, ये किस तरीके से इन्होंने इस पूरे माहौल को बना दिया, जबकि असल में देखा जाए तो आइडेंटिटी, किसी की वेरिफिकेशन करना और वेरिफिकेशन को सही आइडेंटिटी को प्रदर्शित करना कोई, मुझे, हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पाप है। और खास तौर पे तब जब एक आस्था का समंदर उस रास्ते से गुजरेगा तो वहां पर कोई भी व्यक्ति बिजनेस व्यवसाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से। प्रशासन ये भी जारी कर सकता था कि प्रशासन सभी को बुलाता और बुलाकर उन सबको एक सर्टिफिकेट बड़ा सा देता और उनको कहता ये सर्टिफिकेट आपको डिस्प्ले करना है। अगर मान लीजिए एक स्क्वायर फुट बाय एक स्क्वायर फुट का कोई सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता और उस पर उसका पूरा नाम लिखा जाता, तब प्रशासन क्या कर ले? तब ये जो लोग हैं जो बवंडर मचा रहे, जो बवाल मचा रहे, तब ये क्या कर? क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करना बेहद जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे जो जिसे हम जब हम कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र के अंदर इस तरीके की छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरीके से नेता बवाल मचाते हैं, ये सचमुच अपने आप में बहुत शर्मनाक है।
बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपके हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं, कई बार आपकी राय से हम अपनी राय बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।